यहाँ पर आपको फनी कैसे बनना है ये सिखाया जाता है। शादी के बाद यहाँ दूल्हा दुल्हन टॉयलेट क्यों नहीं जा सकते, और इस कंट्री में मोटा होना इलीगल है, और एक ऐसी रोड जहाँ गाड़ी चलाने पर म्यूजिक सुनाई देता है। जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स बिगिन। नंबर 10, रॉबर्ट विक नाम का एक कैदी एक बार जेल तोड़कर बाहर निकल गया। वापस से उसने खुद को अंदर जेल में बंद कर लिया। जब उसे इसका कारण पूछा गया तो उसने बताया कि बाहर बहुत ठंड थी। नंबर 9, हाल ही में चाइना में 10 साल के एक लड़के को झील के पास चट्टानों में गलती से डायनासोर का अंडा मिला। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस अंडे में डायनासोर के बच्चे का पूरा जीवाश्म है। ये अंडा 7 करोड़ 20 साल पुराना बताया जा रहा है। इस अंडे में टूथलेस डायनासोर नाम प्रजाति का डायनासोर पाया गया है, जिसे खोजकर्ताओं ने बेबी इंगलिंग का नाम दिया है। नंबर 8, ब्रिटिश कोलंबिया के एक वुड्समैन फ्रांसिस वॉल्टन के सभी दांत किसी वजह से टूट गए थे, जिसके बाद इसने कृत्रिम दांत बनवाने के लिए एक हिरण का शिकार किया। उस हिरण के दांतों से उसने अपने लिए एक दांतों का सेट बनवाया, जिसके बाद इस आदमी ने उसी हिरण के दांतों से उसी हिरण को खा गया। नंबर 7, हमारे द्वारा समुद्रों में फेंके गए कचरे से समुद्रों में रहने वाले जीवों की जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है, इसका अंदाजा आप इस फोटो को देखकर लगा सकते हो। एक रिंग में बचपन में एक छोटा कछुआ फंस गया था, और जब वो बड़ा हुआ तो उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई। नंबर 6, ईमेल का आविष्कार किसी अमेरिकी ने नहीं बल्कि एक 14 वर्षीय भारतीय लड़के शिव अय्यादुरई ने 1978 में किया था, और दुख की बात यह है कि हमारे भारत में बहुत कम लोग ही इन्हें जानते हैं। नंबर 5, आपने कई लड़कों को देखा होगा कि वे हाथ छोड़कर साइकिल को चला लेते हैं, लेकिन अगर बात की जाए अमेरिका की तो अमेरिका के शहर इलिनॉइस में हाथ छोड़कर साइकिल को चलाना गैर कानूनी है। अगर ऐसा किसी को करते पाया जाता है तो उसके साथ कुछ लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं। नंबर 4, जापान में मोटा होना गैर कानूनी है, क्योंकि वहां की सरकार ने यह कानून बनाया है कि किसी भी व्यक्ति की कमर 33 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, इंडोनेशिया में टिडोंग समुदाय में शादी के बाद दूल्हा दुल्हन 3 दिन तक टॉयलेट नहीं जा सकते। टिडोंग समुदाय में शादीशुदा जोड़े को टॉयलेट जाने पर पाबंदी होती है, और इन 3 दिनों में दोनों को काफी कम मात्रा में खाना पीना दिया जाता है। इस समुदाय का मानना है कि यह रस्म निभाने से दूल्हा दुल्हन के बीच प्यार काफी गहरा हो जाता है। आपके इस पर क्या थॉट है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। नंबर 2, जापान में मेलोडी नाम की एक रोड है जहां पर सही स्पीड में गाड़ी चलाने पर आपको अलग अलग तरह के म्यूजिक सुनाई देंगे। नंबर 1, जापान में एक कंपनी है जिसके कई सारे स्कूल्स है, और इन स्कूल्स में सिखाया जाता है कि आप किस तरह से फनी बन सकते हो। इनका पहला स्कूल 1982 में खुला था, और लगभग 1000 स्टूडेंट हर साल इस कोर्स को एनरोल करते हैं। आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना।